ओडिशाना दरिया किनाराना पूरी शहर में स्थित गोवर्धन मठ 145 में जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्लानंद सरस्वती राजकोट की मुलाकाते आवनार छे। तेवो गुजरातना 8 शहर में वृंदावन यात्रा योजवाना छे। तेमाथी राजकोट खाते आगामी 13 ने 14 नवेम्बर दरमियान रोकाण करशे। राजकोट खाते हिंदू राष्ट्र अधिवेशन अने धर्म आध्यात्म राष्ट्र विषय पर योजनार प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में हाजरी आपशे। आम समग्र कार्यक्रम ने लईने सिटी न्यूज़ना तंत्री नितिन भाई नथवाणी ने विशेष माहिती पाठवता जणाव्यु हतुं के अधिवेशन द्वारका धाम में 18 दिसंबर 2021 को संपन्न हुआ। अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन जनकपुर में हुआ। 5 मई को विश्वव्यापी हिंदू राष्ट्र अधिवेशन तालकोटरा मैदान दिल्ली में हुआ। इसी क्रम में राष्ट्रोत्कर्ष अभियान के अंतर्गत शंकराचार्य जी का कल वृंदावन से यात्रा शुरू होगा और गुजरात के 8 शहर में ये महाराज श्री का हिंदू राष्ट्र अधिवेशन होगा। 31 अक्टूबर को महाराज श्री पहुंच जाएंगे अहमदाबाद, जहां गाय पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है, तो वहां भी महाराज श्री का उद्भाषण है। इसी क्रम में नक्षत्राना, भूज, गांधी धाम, श्याम ख्याली, मोरबी होते हुए महाराज श्री 13-14 नवंबर को राजकोट में रहेंगे। यहाँ 2 दिन व्यापी उनका कार्यक्रम होगा, जिसमें सुबह में 11:30 बजे से 1 बजे तक धर्म अध्यात्म राष्ट्र पर संगोष्ठी होता है, प्रश्नोत्तरी। शाम में 5:30 बजे से 8 बजे के बीच यहाँ हिंदू राष्ट्र अधिवेशन होगा। पूरी शंकराचार्य, जैसा कि आप जानते हैं, गोवर्धन पीठ पर 145वां शंकराचार्य हैं, 144 हो चुके हैं। ये वर्ल्ड के रिनाउंड मैथमेटिशियन माने जाते हैं। वर्ल्ड में शायद ही ऐसा कोई टॉप 10 मैथमेटिशियन हो, चाहे उत्तर कोरिया से हो कि दक्षिण कोरिया से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो टॉप मैथमेटिशियन है, वो अपना प्रॉब्लम इनसे आके सॉल्व करके जा चुके हैं। विश्व बैंक भी अपना समस्या समाधान करके जा चुका है। नासा से जुड़े साइंटिस्ट भी आ चुके हैं। जब ये हजारों वैज्ञानिकों के बीच में इसरो अहमदाबाद में बोले थे, उसके बाद तात्कालीन इसरो के चेयरमैन डॉक्टर किरण कुमार, सुने होंगे कि 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। महाराज श्री का 5 दिसंबर 2017 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बम्बई में अणु और परमाणु पर प्रवचन हुआ। 5 मार्च 2018 को शंकराचार्य जी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित सुप्रीम कोर्ट के इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जज सॉलिसिटर जनरल एडवोकेट को कानून समझाए। इतना है आईटी बीएचओ में ये महायंत्र पर बोले, परमाणु बम क्यों चाहिए, एटम बम क्यों चाहिए। राजकोट में क्या कार्यक्रम है, किस तारीख को होगा और कौन से स्थल पर होगा? महाराज श्री का आगमन 12 तारीख के शाम में मोरबी से होगा। 13 तारीख को सुबह संगोष्ठी होगा, जिसको प्रश्नोत्तरी बोलते हैं। ये 11:30 बजे से 1 बजे तक होगा। शाम में 5:30 बजे से 8 बजे तक धर्म सभा होगा, हिंदू राष्ट्र पर संगोष्ठी होगी। पुनः महाराज श्री यहाँ से बड़ौदा के लिए प्रस्थान करेंगे। किस जगह पे? उसके लिए 108 आदमी का कमिटी बनता है, क्योंकि पूरी शंकराचार्य जी और राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री बुलाने से नहीं जाते हैं, बिरला टाटा जी बुलाने से नहीं जाते हैं, हवाई यात्रा नहीं करते हैं, ट्रेन में फर्स्ट क्लास से नहीं जाते हैं। इनका प्रण है, जब तक इस देवभूमि भारत में गो हत्या बंद नहीं होगा, तब तक ये अपने कोई सुख सुविधा का उपयोग नहीं करेंगे, छत्र चामर नहीं लगाएंगे,
सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। इनका अभियान का उद्देश्य होता है सनातन धर्म बचेगा तो मानव का कल्याण होगा, विश्व में शांति होगा, भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा, धर्म नियंत्रित पक्षपात विहीन शोषण विनिर्मुक्त सर्वहित पद सनातन शासन तंत्र भारत में जब तक नहीं आएगा तब तक किसी का कल्याण नहीं होगा। उस उद्देश्य से राजकोट पहली बार आ रहे हैं।